नाज़रीन आप देख रहे हैं अल्लाह न्यूज़ और मैं मोहम्मद इमरान नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिहाड़ीदार तबका। ये अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और इनको काम नहीं मिला और ये काम की तलाश में खड़े हैं। इतनी महंगाई में इनसे बात करते हैं कि इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है और ये इनका घर का रुकना कैसे चल रहा है। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए और हमारे मजदूरों का ये सूरत हाल पूछने आए हो। तो महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, आपके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? घर का निज़ाम तो इसी तरह चल रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर लग गया तो खान पीन, अगर ना लगा तो रोज़ा ही है इधर। तो मजदूरी तो यहाँ पे इस तरह चल रहा है कि सारे मजदूर सुबह से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई किसी को काम नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि ये मजदूर जो बैठे हुए हैं मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं, और जो इनके लिए कुछ कर सकते हो हुकूमत की तरफ से कह रहा हूँ, कारोबार का या सिस्टम बना दो या इनके लिए कुछ ऐसा तरकीब बना दो कि इनकी घर की रोजी चल जाए। रोजी आजकल बिल्कुल रुका हुआ है, काम शाम है नहीं। तो आजकल आपको खुद हालात का पता हुआ है और महंगाई तो इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि अगर कोई चीज़ लेने पर भी मजबूर हो तो वो भी नहीं ले सकता है। कहता है कि किधर से आए किधर से ना करे। हुकूमत महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आई थी, इस हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितना मुतमिन हैं? ये वाला हुकूमत अच्छा था क्या इमरान खान का? हम तो इमरान खान की हुकूमत से इस वजह से मुतमिन थे क्योंकि हमें पता था कि कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, और ये जो हुकूमत आया हुआ है इनमें बिल्कुल कारोबार रुके हुए हैं। मजदूर को वो जो दिहाड़ी लग रहा था वो भी आजकल बंद हुए हैं और महंगाई की वजह से कोई काम नहीं करा रहे, इस वजह से सब कुछ कारोबार बंद। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका बहुत परेशान है, हुकूमत से यही अपील करते हैं गरीब आवाम को रिलीफ दें। शकील के साथ।